ले जी माशाल्लाह 2 जून 2024 और जिस होटल में या अपार्टमेंट्स में ठहरे हैं वहाँ जो नाश्ते का जो मंज़र है वो आपको दिखाते हैं। लोगों का शोर देखें और ये देखें इधर किस तरह लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। और ये देखें कमाल किस्म का माहौल है। हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में ये देखे, लेकिन ये देखें कैसा कमाल किस्म का। इधर भी देखें जी नाश्ता, हमारे दोस्त बड़े बड़े आला क्वालिटी के दोस्त जो बैठे हुए हैं, और ऊपर से जो नीचे का मंज़र है वो भी कमाल का मंज़र है। नाश्ते के जो मनाजर हैं वो ऐसे आपने नहीं देखे होंगे, वैसे तो नाश्ते आपने कई ऐसे देखे होंगे, लेकिन कमाल किस्म का ये देखें, सब बड़े इंजॉय कर रहे हैं, ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और इधर आर्डर पे ये तैयार कर करके सबको पहुँच रहे नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों आज 2 जून 2024 और हमारा 20 अफराद पे मुश्तमिल टीआई कॉलेज बोर्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जो ग्रुप काजिकिस्तान और तुर्की के टूर पे निकला हुआ है, आज हम आपको लेके जा रहे हैं। एक इलाका है यहाँ जो कैपिटल है काजिकिस्तान का अस्ताना, वहाँ से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे, और हमारे साथ 2 गाड़ियों में साथ साथ 15 कितने कितने अफराद बैठे हैं मुश्किल साहब, 11 अफराद बैठे हैं। और हमारी जो वक्त जो या टाइम जो वो तकरीबन 2.5-3 घंटे लगने जाते हुए, लेकिन शहर से निकलते हुए चंद नज़ारों के साथ हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। बाकी रास्ते में अगर कोई चीज़ देखने के लिए आई तो वो भी आपको साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। असल मनाजर जो है वो वहाँ पहुँचने के बाद है। जो इमारात हैं देख के हम हैरान रह गए हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तो ऐसी खूबसूरत इमारतें देखने को मिली कि इंसान दंग रह जाता है कि काजिकिस्तान जिसके मतलब हम समझते हैं कि ये सोवियत यूनियन का एक हिस्सा, और यहाँ कैसे गरीब लोग यहाँ इमारतें होंगी, लेकिन इनकी सड़कें और इनकी बुलंदो बाला इमारात देख के इंसान तंग रह जाता है। ये देखिए अब ये भी क्या ज़बरदस्त स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, 5-5 मंजिला लोगों की रहायशें। जिस साइड पे हम रह रहे हैं वहाँ 20-20 मंजिला, और बाकी ये खूबसूरती दरख्तों की और फ्लैट्स की कमाल की है। ये देखने में कुछ इस तरह लग रहा है, इधर भी देखें रहायशों की जो स्टाइल है कमाल किस्म की, इन्होंने रंगत और जिसको कहते हैं नफासत या डिज़ाइनिंग। और इस साइड पे तो ये बहुत बड़ा स्टोर लग रहा है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो इश्तार सैमसंग मीडिया ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितनी प्रोडक्ट्स हैं गालबन उनकी यहाँ पे अंदर इसके दुकानें हैं। बड़ी हैरान कन चीज़ें जो ये हैं कि इनके अक्सर जो मस्जिद के गुंबद हैं के वो दूसरे कोई चर्चेस में जो गोल्ड का इस्तेमाल जो है गोल्डन कलर का वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, और फिर दूसरा जो है ये जो ग्रीनरी अक्सर जगह पे पार्क इन्होंने इतना खूबसूरत बनाए हुए हैं, शायद जगह ज़्यादा है या इनके मिजाज में ये है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्क जो है। और फिर ये देखिए इस साइड पर ये बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती है। बिल्डिंग के ऊपर जबरदस्त झंडा लहरा रहा है मूर्ति के साथ जी। इस साइड पे हमारे छोटा सा कोई बनाया हुआ लेक सी नजर आ रही है, जिस तरह इस साइड आप देखें बड़ा खूबसूरत सा मंजर है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो फिर एक पुराना सा एक घर नजर आ रहा है, ये उसको स्टाइल दिया गया है इस तरह में। डॉक्टर कोई बंदा मरे वो अपनी दुकान च मोमबत्ती जला के रखे, ठीक है, जिन्या मोमबत्तियां जिन्हें मरना उन्निया मोमबत्तियां जलनिया चाहिए सही है। अच्छा जी, वो बाहर निकल गया, उन्हें देखा जेडे हकीम बाहरों देखे ना पहले दरवाजे से खलो के मोमबत्तियां किनिया जल दियां, किसी दियां 20 जल दियां किसी दियां
20 जा रही हैं, किसी दियां 10 जा रही हैं, ते वो डरदा उसे जावे ना। फिर वो लब्जा उन्हों एक दुकान लब्बी जिसे जो कोई मोमबत्ती नहीं जलती, उन्हें क्या ये काबल की माँ चला गया। डॉक्टर साहब ने उन्हें चक जो किता नालों ने क्या हकीम साहब ये दसो ते और बाकी ये डॉक्टर हाँ की माने थे बड़े बंदे मारे ने थे उन्हें ये मोमबत्तियाँ बढ़िया जलतियाँ तुसी कोई नहीं मोमबत्ती जलाई हुई कहन लगे। दरअसल गल ये होया कि मैं कल दुकान बनाई है ते अज पहला मरीज तुसी हो ते कल नू चल जाए जी गुड तैयार कर रहे ने नहीं तुसी ये करो कि दवाई डॉक्टर साहब देंगे इंश्योरेंस मैं करांगा तुसी इंश्योरेंस करो साहब दी